हाय गाइस, मैं हूं फराब। सभी का वेलकम है मेरे चैनल पे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ ईद स्पेशल फेशियल शेयर करने वाली हूं। जी हां, ये ईद स्पेशल इसलिए क्योंकि रमज़ान ख़त्म होने वाला है और ईद आने वाली है। जी हां, तो हम बिल्कुल चाहेंगे कि हमारा जो फेस है ग्लो करे, बिल्कुल नेचुरल ग्लो हमारे फेस पर है, तो उसके लिए मैं आप लोगों को फेशियल बताऊँगी। जी हां, फेशियल के बहुत सारे बेनिफिट होते हैं, तो मैं आपको शॉर्ट में बता दूँ। फेशियल करने से हमारा फेस पर जितनी भी इम्प्योरिटीज़ रहती हैं, बोनो डेड स्किन रहती है, ये सब रिमूव होती है। मसाज करने से हमारे फेस पे ग्लो आता है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, तो ये सारे फायदे होते हैं फेशियल करने के। तो आज मैं उनके साथ जो फेशियल शेयर कर रही हूँ बहुत नेचुरल फेशियल है। जी हाँ, इसमें मैंने कोई केमिकल का यूज़ नहीं किया, बिल्कुल ऑर्गेनिक फेशियल है। और सबसे खास बात है, इसमें आपको मुश्किल से 5 रुपये लगेंगे, 5 या 10 रुपये लगेंगे, उसमें आपको पूरा फेशियल हो जाएगा। और ये ऑल स्किन टाइप से एक्ने प्रोन है, ऑयली कॉम्बिनेशन, कोई भी आपकी स्किन टोन हो आप इसे आराम से कर सकते हैं। तो दोस्तों, बहुत बातें होगी, अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। और हाँ, मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो आइए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला स्टेप जो हमारा है वो है क्लिंजिंग का। तो क्लिंजिंग के लिए जो सबसे पहली चीज़ जो हमारा बेस होगा वो है दही। जी हाँ, दही मैंने घर पे जमाया हुआ है, आप चाहे तो मार्केट का जो पैकेट वाला दही आता है आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो दही हम लेंगे, ये थोड़ा पतला है क्योंकि मैंने इसे गाय के दूध से जमाया था, आप नॉर्मल दही जो आता है वो भी ले सकते हैं। तो इस तरीके से हम इसमें दही लेंगे 1 से 2 चम्मच के करीब। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा जो चीज़ होगा वो है टोमेटो। जी हाँ, हम इसमें आधे टोमेटो आप देख रहे हैं, इसमें इस तरीके से इसमें डाल देंगे। और इसे हम खूब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो दोस्तों, हमारा क्लिंजर बन करके तैयार है, अब हम क्लिंजिंग करेंगे। जी हाँ, मैंने इसमें मिक्स कर लिया, अब हम इस तरीके से इसमें डिप करेंगे और अपने फेस पे हल्के हाथों से सर्कुलर मोशन में मसाज करेंगे। तो दोस्तों, क्लिंजिंग हमें ज़रूर करनी चाहिए, दिन भर में 2 बार क्लिंजिंग करनी चाहिए। क्लिंजिंग करने से हमारा फेस जो होता है अंदर से साफ होता है, पिंपल एक्ने की कोई प्रॉब्लम नहीं होती अगर आप रेगुलर क्लिंजिंग करते हैं तो, साथ में फ्रेश लुक भी ला करके देता है। जी हाँ दोस्तों, तो अब हम क्या करेंगे, हम इसे लगा के थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे, 5 से 10 मिनटों के लिए। आप चाहे तो वॉश कर सकते हैं, मैं यहाँ पे वॉश नहीं करूँगी, अब मैं इसके ऊपर स्क्रबिंग करूँगी। जी हाँ, तो नेक्स्ट स्टेप जो हमारा है वो है स्क्रबिंग के लिए मैं यहाँ पे राइस फ्लावर का यूज़ कर रही हूँ, चावल का आटा। आप चाहें तो मार्केट से भी ले सकते हैं या घर का बनाया चावल का आटा जो होता है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। बनाने का तरीका बहुत ही आसान है, आपको चावल लेना है, उसे धो करके उसे मिक्सर में आप ग्राइंड कर लीजिए, आप आराम से आपका राइस फ्लावर बन करके तैयार है। मैंने जो यहाँ पे जो बनाया है उसको जो बहुत ज़्यादा बारीक नहीं किया है ताकि मेरी अच्छे से स्क्रबिंग हो जाए, तो मैंने यहाँ पे आप देख सकते हैं चावल का जो आटा है वो 1 से 2 चम्मच के करीब लिया है, और इसे मैंने इस तरीके से जार में स्टोर किया है ताकि ये मेरा आराम से चल सके। तो उसके बाद हम इसमें जो अपना बनाया था मैंने बेस जो हमारा है दही और टमाटर का, वो हम इसमें ऐड करेंगे। और इसे हम अच्छे से गाढ़ा पेस्ट बना लेंगे इसका। हम इसकी स्क्रबिंग करनी स्टार्ट करेंगे, सेम उसी सर्कुलर मोशन में हम इसकी भी स्क्रबिंग करेंगे। स्क्रबिंग करने से हमारे जो डेड सेल, जो डेड स्किन होती है वो रिमूव होती है, साथ में हमारे स्किन को, जैसे बोलूँ तो ब्लैक हेड, वाइट हेड, एक्ने, इस तरीके की सारी प्रॉब्लम को दूर करता है। दोस्तों, स्क्रबिंग हमारी हो चुकी है, अब हम इसे वॉश कर लेंगे, या आप चाहे तो वेट टॉवल का भी यूज़ कर सकते हैं इसे साफ करने के लिए, लेकिन मैं यहाँ पे वॉश करूँगी। तो आप सब देख सकते हैं मैंने भी स्क्रबिंग की है। स्क्रबिंग करने से मेरे जो आप पास से मैं आपको दिखा दूँ, जो हाथों का रंग है वो काफ़ी निखरा हुआ लग रहा है। तो अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप आता है, तो नेक्स्ट स्टेप हमारा जो है वो है मसाज। जी हाँ, फेशियल मसाज बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है फेशियल में। मसाज से क्या होता है, आपका जो ब्लड सर्कुलेशन होता है बहुत अच्छे से होता है और आपके फेस से ग्लो आता है। तो आपको यहाँ पे जैसे मैंने बताया जो हमारा बेस है आपको वो लेना है, उसके साथ आपको जो दूसरी चीज़ ऐड करनी है वो है बनाना। जी हाँ, मैं यहाँ पे हाफ बनाना का यूज़ कर रही हूँ, इस तरीके से मैंने इसे कर ले लिया है और इसे हम मैश करके इसमें ऐड करेंगे। मैं थोड़ा थोड़ा करके बनाना इसमें ऐड करूंगी और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं बनाना जो था हमारा उसे मैंने खूब अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है, आप चाहे तो और अच्छे से मिक्स कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप चाहे मिक्सर में डाल करके ब्लेंड कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसे हाथ से ही मैश किया है और ये हमारा बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है। बस आपको इस तरीके से लेना है और अपने से अपने फेस पे मसाज करना है सर्कुलर मोशन में।
मैं आपको अपने हाथों पे बता रही हूँ, आपको सेम इसी तरीके से क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज से मसाज करनी है। ये आपकी स्किन को सॉफ्ट बना देगा और आपकी स्किन पे ग्लो ला करके देगा। बनाना तो वैसे ही बहुत ही अच्छा होता है हमारी स्किन के लिए। आप इसे एज अ हेयर मास्क की तरह भी अपने बालों में यूज कर सकते हैं। बस इस तरीके से हम इसकी मसाज करेंगे। तो अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो है फेस पैक का। जी हाँ दोस्तों, फेस पैक के लिए मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ दही, जो मैंने आपको मिक्सचर बना करके दिखाया था सेम। तो एक चम्मच मैंने डाल लिया है, एक चम्मच करीब मैं इसमें ऑयल डालूंगी और दूसरा इंग्रेडिएंट जो हमारा होगा वो है मुल्तानी मिट्टी। जी हाँ दोस्तों, मुल्तानी मिट्टी यहाँ पे मैं एक चम्मच के करीब डाल रही हूँ। उसके बाद हम इस पे तीसरी और लास्ट चीज जो ऐड करेंगे वो है ऑरेंज पील पाउडर। जी हाँ, और मैंने इसे इस तरीके से बना करके स्टोर करके रखा है। तो उसमें को भी हम आधे चम्मच के करीब डालेंगे इसमें, और हमारा जो फेस पैक है वो बन करके तैयार हो गया है। इसमें हम थोड़ी सी दही और ऐड करेंगे। तो दोस्तों, फेस पैक हमारा लगाने का तरीका भी बिल्कुल सिंपल है। आपको इस तरीके से फेस पैक को लेना है, उसे अपने फेस पे अप्लाई करना है। क्या दोस्तों, फेस पैक हमारा लग गया है और इसे हम ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे 5 से 10 मिनटों के लिए। तो दोस्तों, टोना बनाने के लिए आपको पानी लेना है। मैं यहाँ पे कम से कम 1 ग्लास करीब पानी लिया है। आपको भी इसी तरीके से पानी लेना है और इसे हम एक उबाल आने तक गर्म करेंगे। तो दोस्तों, पानी आप देख सकते हैं हमारा अभी भी गर्म है। मैंने इसे कप में खाली कर लिया है। अब आपको उसमें सिर्फ एक चीज़ डालनी है। मैं बहुत ही सिंपल सा टोनर बनाना आपको बता रही हूँ। ये टोनर जैसे मैंने बताया आपकी स्किन के लिए बहुत ही अच्छा है और ये ऑल स्किन टाइप वाले, स्पेशली एक्ने प्रोन वाले स्किन है तो उनके लिए बहुत ही अच्छा है। तो आपको क्या करना है, आपको लेनी है ग्रीन टी। जैसे मैं यहाँ पे लिप्टन का ग्रीन टी यूज़ कर रही हूँ। आप इसके अलावा कोई सा भी ग्रीन टी जो फ्लेवर वाले आते हैं, नींबू है चाहे अदरक वाले फ्लेवर, तो किसी भी फ्लेवर की ग्रीन टी यूज़ कर सकते हैं। तो सिंपल आप हम इसमें ऐड, तो दोस्तों इसमें हम 1 से 2 चम्मच के करीब ग्रीन टी ऐड करेंगे। पानी बहुत ही गर्म है, आपको भी गर्म पानी में ही ऐड करना है ताकि आपका अच्छे से कलर आए। तो 1 चम्मच मैंने इसमें डाल दिया और 1 चम्मच मैं इसमें और ऐड करूँ। तो दोस्तों, 1 चम्मच मैंने डाल दिया है, 1 चम्मच मैं इसमें और डालूँ और इससे इस तरीके से हम मिक्स कर देंगे ताकि पूरा अर्थ जो है ग्रीन टी का वो इसमें आ जाए। ग्रीन टी की बात करूँ तो ग्रीन टी में बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, साथ में बहुत सारे हर्ब्स होते हैं जो हमारे स्किन के लिए बहुत ही अच्छा होता है। अंडर आई एरिया में जो पफिनेस होती है, डार्क सर्कल होती है, उसके लिए बहुत ही अच्छा है। इस थोड़ी देर के लिए हम इसे रख देंगे ताकि पूरा अर्क आ जाए। फिर जब ठंडक हो जाएगा तो मैं आपको आगे बताऊंगी आपको क्या करना है। तो दोस्तों, लास्ट स्टेप हमारा जो है वो है टोनिंग के लिए। टोनिंग के लिए जैसे मैंने आपको टोनर बनाना बताया है, आपको सेम वैसे टोनर बनाना है। उसके बाद अब लगाने का तरीका क्या करना है आपको, तो आपको इस तरीके से आइस क्यूब लेनी है और उसे अपने फेस पे सर्कुलर मोशन में उसकी मसाज करनी है। जी हाँ, अगर आपको फेस पे आइस सूट अगर आपके फेस पे आइस सूट नहीं करता, आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप इसे टोनर फॉर्म में बना करके स्प्रे बॉटल से लगा सकते हैं। और मैं आपको आइस क्यूब इससे सजेस्ट कर रही हूँ कि इससे क्या होता है, आपका ब्लड सर्कुलेशन बहुत ही अच्छा होता है। पोर्स जो होते हैं, ओपन पोर्स जिनके फेस से बहुत ज़्यादा होते हैं, वो श्रिंक हो जाते हैं, फेस टाइट हो जाता है। तो मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छा, और गर्मी में वैसे भी अगर आप आइस अपने फेस पे अप्लाई करते हैं बिफोर मेकअप, तो मेकअप बहुत देर तक टिका रहता है, पसीना नहीं होता। तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है अगर आप इसे इस तरीके से आइस क्यूब में बना करके लगाते हैं। तो आप इसे कुछ सेकेंड तक लगा सकते हैं, मैक्सिमम 1 मिनट तक लगाते हैं तो बहुत अच्छा, जितने देर तक आप बर्दाश्त कर सके उतने देर तक। तो आप देख सकते हैं मेरी जो आइस क्यूब है बिल्कुल आधी हो गई है। तो मैंने इस तरीके से लगा करके इसे छोड़ देंगे ताकि इसका जो पानी था पूरी तरीके जो टोनर हमारे स्किन में एब्जॉर्ब हो जाए। तो मैं इसे इस तरीके से छोड़ दूंगी। जी हाँ, मैंने अपने हाथों को वॉश कर लिया और आप देख सकते हैं जो मैंने फेशियल किया उससे मेरे हाथों का रंग कितना ज़्यादा निखरा लग रहा है। आप इस हाथ का रंग देख सकते हैं और आप इस हाथों का रंग देख सकते हैं, मेरे हाथ का रंग कितना ज़्यादा निखरा हुआ लग रहा है, जबकि मैंने घर पे ही फेशियल किया है। अगर आप इसे अभी इस फेशियल को करना स्टार्ट करते हैं, आपको इस फेशियल को हफ्ते में अगर आप एक बार करें, क्योंकि नेचुरल है कोई बात नहीं, अगर आप इसे हफ्ते में एक बार भी कर सकते हैं या 15 दिन में एक बार भी करते हैं तो बहुत ही अच्छा है। तो अभी से आप इसे करना स्टार्ट करेंगे तो ईद वाले दिन तक आपके चेहरे पर बिल्कुल अलग सा ग्लो आएगा और हर कोई आपसे पूछेगा कि आपने क्या कर रहा है। तो जी हाँ, अभी से आप इस फेशियल करना स्टार्ट कर दिए। और लास्ट स्टेप जैसे हमारा है वो है मॉइस्चराइजिंग का। तो आप कोई सा मॉइस्चराइजर यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे हिमालय का बेबी लोशन यूज कर रही हूँ। ये बहुत ही लाइट वेटेड मॉइस्चराइजर है और ये बहुत ज्यादा अच्छा है। अच्छा मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये पैराबेन फ्री है और जिसको अगर कुछ भी सूट नहीं करता तो उसके लिए बहुत ही अच्छा है, बहुत लाइट वेटेड है। तो हम इसको थोड़ा सा इसमें लेंगे और अपने हाथों पे आपको इस तरीके से अपने फेस पे अप्लाई करना है।
बस इस तरीके से फेस पे अप्लाई करके इसे छोड़ देंगे। आपका घर पे ही बढ़िया सा फेशियल तैयार हुआ है और आप देख सकते हैं कितनी आसानी से ये फेशियल हमारा घर पे हो गया है। कोई पैसे नहीं खर्च करने पड़े, कोई महंगे पार्लर में जो आप फेशियल कराते हो कुछ भी करना नहीं पड़ा, बहुत आसानी से आपका फेशियल घर पे ही तैयार हो गया है। तो दोस्तों अगर आप इस फेशियल को करके देखिए और अगर आपको मेरा फेशियल पसंद आता है या आपको इसका इफेक्ट नज़र आता है तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो रमज़ान स्पेशल। वीडियो पसंद आएगी तो इसे लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी। मैं मिलती हूँ मिशक्ता नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय, टेक केयर।